हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 9 लेसन तक पढ़ चुके हैं और ये 10वें नंबर का लेसन है। ओके, तो इसमें हम लोग 10वें नंबर का जो लेसन है वो क्या है, सल्तनत काल है और दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितना क्वेश्चन दिया गया यहाँ मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ओके, तो महमूद गजनवी जो था वो क्या था, सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। ओके, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में तक जो हुआ था, उन आक्रमणों में से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शनों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है ना, जो 1025 से लेकर 1026 तक चला था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पहले से, हमारी मतलब भारत जो हमारा था उसको हम लोग सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत धन वगैरह बहुत ज़्यादा था। मतलब अब सोने की चिड़िया कही जाती थी, क्यों कही जाती थी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसी कारण वो जो है कि हमारे यहाँ से धन लूट करके ले जा करके और मध्य एशिया में जो है अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वो हम मतलब क्या कहते हैं भारत पर आक्रमण किया था। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, 4वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए ठीक है विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। दोस्तों आप लोग अधिकतर नाम जिस ग्रंथ का सुने होंगे वही ग्रंथ हो जाएगा, क्या, किताबुल हिंद। अलबरूनी का क्या है, अलबरूनी का किताबुल हिंद। तो ये क्वेश्चन और यही आप याद कर सकते हैं, महमूद गजनवी के जो है कि आक्रमण के समय में कौन सा विद्वान आया था, तो दोस्तों अलबरूनी आए थे। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ओके, ऐसा ही पूछ सकता है कि अलबरूनी किसके जो है आक्रमण के समय में आए थे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए समझ गए। आगे कह रहा है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो क्या थी, तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों तो दोस्तों सिकंदर लोधी का नाम आप सुने होंगे, सिकंदर लोधी के द्वारा जो है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी, जहाँ पे हमारा ताजमहल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गया था। दोस्तों तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप लोग सुने होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दोस्तों उनकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गया था। कह रहा है कि कुवत उल इस्लाम, ठीक है, कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है दोस्तों उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्हीं के द्वारा जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। ओके, समझ में आ गया। आगे कह रहा है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1191 में हुई थी, क्या, 1191 में। अब कह रहा है कि तराइन की जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना, पहली जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो किसके बीच में दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ओके, समझ गए, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह खिलजी यहाँ बोल दिया है, खिलजी याद रखिए, खिलजी ध्यान दीजिएगा, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये नहीं थे, अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने क्या किया, अपने ससुर की हत्या कर दी थी दिल्ली राज सिंहासन पर बैठने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा क्या, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों वो क्या, इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, इल्तुतमिश की बेटी थी। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा महमूद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने छोड़ कर के गए हुए थे, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा क्या, 13वां नंबर कह रहा है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो है मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए दोस्तों,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन की जो द्वितीय युद्ध थी दोस्तों, ठीक है, किसके किस उसमें जो है दोस्तों, किसने किसको पराजित किया, ठीक है। तो दोस्तों जो थे मतलब जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका इसको जो है कि दोस्तों मोहम्मद गोरी ने जो है क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, ठीक है। उस समय मोहम्मद गोरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय तराइन की द्वितीय युद्ध में, ठीक है। अब कह रहा सन 1329 और 1330 के बीच किसने जो है तांबे के सिक्के के रूप में जो है कि प्रमाण पत्र प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था, मतलब टोकन करेंसी किसने जो है कि प्रचलित किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बतलाया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोदी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनाम भूमि किसे दिया जाता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए नंबर, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, ठीक है, विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को जो है कि इनाम में जो है भूमि दिया जाता था, किसे दिया जाता था ये बोल दिया है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला जो शासक थी वो कौन थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान का आप लोग नाम सुने हैं, ठीक है, ऊपर अभी मैं बताया रजिया सुल्तान किनकी बेटी हैं, इल्तुतमिश की बेटी हैं, ठीक है। ये क्या थी? पहली मुस्लिम शासिका थी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो जो है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सबसे पहले मतलब कोशिश किया, क्या किया, दक्षिण भारत पर पराजित करने का प्रयास किया अपना, ठीक है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता था दोस्तों वो कहाँ से आया था? तो मोरक्को का, आप लोग नाम सुने हैं मोरक्को से जो है कि इब्न बतूता आया हुआ था। ओके, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर जो है कि प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था दोस्तों, जो तुर्क से था कौन था दोस्तों? तो महमूद जो क्या है, महमूद गजनवी जो था वो प्रथम ऐसा था जो तुर्क से आक्रमण किया हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से अपने को, ठीक है, बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक कहता था, अपने आप को कहता था, ठीक है, मतलब मूर्ति भंजक अपने आप को कौन कहता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, महमूद गजनवी जो है अपने आप को क्या कहता था, बुत सीकन जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, ठीक है। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे दोनों के दोनों उपाधि महमूद गजनवी की थी, ठीक है। यामीन उल दौला अमीन उल मिल्लत, ठीक है, दोनों साम्राज्य का दहिना हाथ साम्राज्य क्या है, मुसलमानों का संरक्षक, ये अपने आप को ऐसे मतलब क्या किया था, ये कर रखा था अपना, ठीक है ना, धारण कर रखा था ये उपाधि। अब कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ए नंबर है, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, ठीक है ना, मतलब हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में जो है ये आक्रमण सबसे पहले किया हुआ था। ओके, समझ गए। आगे देखते हैं, कह रहा हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही जो राज्य की राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी? तो उद भांडपुर या फिर ओहिंद जिसे कहा जाता था या वहिंद, ठीक है, ये तीनों नाम एक ही का है, ठीक है ना, उदभांडपुर का ही, तो इसे ही जो है क्या कहा जाता था, हिंदू शाही का राजधानी थी ये, ठीक है ना। अब कह रहा है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो अंतिम आक्रमण जब ये किया, अब किसके विरुद्ध ये अंतिम आक्रमण किया था, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जाटों जो थे, ठीक है, जाटों के विरुद्ध में जो है ये आक्रमण किया, समझ में आ गया।
आगे कह रहा है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण जो है ग्लानिवस आत्मदाह कर लिया। ठीक है, तो ये कौन था दोस्तों, तो जयपाल जो था, जयपाल। ठीक है, ये मतलब बार बार ये क्या हो गया, पराजित होता गया। ठीक है, सो ये क्या कर लिया, अपना आत्मदाह कर लिया। ओके, चलिए अब कह रहा है कि महमूद गजनी, जो गजनी था वो किस वंश का था, महमूद गजनी जो था वो किस वंश का था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए नंबर, यामिनी वंश का था। महमूद गजनी यामिनी वंश का था। ओके, कह रहा है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो महमूद गजनवी के साथ में जो है इसमें से कौन ऐसा था जो नहीं आया था। ठीक है ना, तो शाहनामा लेखक फिरदौसी की किताबुल हिंद नामक, यहाँ देखिए ये चारों देर का नहीं, चारों को भी आप याद कर लीजिएगा, चारों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चार याद हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, किसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का अलबरूनी, तारिक यामीन का जो है उतबी, और तारिक क्या है सुबुक्तगीन का जो है कि वह हाकी। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और इसका मैं राइट आंसर बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए क्या, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ये क्या था, महमूद गजनवी के जो है कि साथ में भारत नहीं आया था। करा महमूद गजनवी, ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिमाण स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है, लाहौर। ठीक है, लाहौर जो है वो केंद्र बन गया। ठीक है ना, फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। कारण निम्नलिखित में से किसने ढोल के तेज, ठीक है, ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है। ठीक है, किसने किया है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इब्न बतूता ने ऐसा चित्रण किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का जो है स्थापक माना जाता था, मुस्लिम राज्य का स्थापक कौन माना जाता दोस्तों, तो मतलब संरक्षण मतलब कौन था इसमें से जो अपने आप को जो है कि क्या कर रखा था, मतलब संरक्षक का मान रखा था, मतलब मुस्लिमों का संरक्षक अपने आप को कौन कहता था। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये अपने आप को मुसलमानों का जो है कि संरक्षक मानता था। ठीक है, इसने जो क्या किया, मुस्लिम राज्य का संस्थापना भी किया था। ठीक है, भारत में वो कह रहा है किसने जो है इकतादारी प्रथा चलाई। ठीक है, इकतादारी प्रथा किसने चलाई दोस्तों, तो सी नंबर क्या है, इल्तुतमिश ने क्या किया, इकतादारी प्रथा चलाई थी। लाख क्या है, ये देखिए लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, लाख बख्श के नाम से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो चौगान या पोलो खेलते हुए मर गया था। ठीक है, वही जो है कि लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ओके, कह रहा 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, 13वीं सदी में कौन होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी, तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन इनको देख सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो खान। ठीक है, खान जिस जो है दोस्तों मतलब सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे खान बोला जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है दोस्तों वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है ना, चलिए कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया। अब कुतुब मीनार जो था उसका कार्य जो था दोस्तों उसको पूरा किसने किया। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। ठीक है, तो दिल्ली का जो है कि पहला तुगलक सुल्तान कौन था दोस्तों, मतलब जो तुगलक वंश का जो मतलब स्टार्टिंग में जब रहा होगा उसी की पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पहला शासक कौन था दोस्तों, तो ग्यासुद्दीन तुगलक था। ओके, कह रहा पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका बी नंबर, कल्लर ने जो है किया था। ओके,
चलिए आगे कह रहा है, वह रोम सम्राट, वह रोमन सम्राट जो है कि अगस्टस, अगस्टस की भांति सावधान सावधान था कि वह सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ठीक है, तो ये संदर्भ है दोस्तों, ये बात जो है ये किसका है दोस्तों, तो ये एक क्या हो जाएगा, क्या है, बहलोल लोदी का ये बात है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बहलोल लोदी। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबेरूनी किसके शासनकाल में था दोस्तों, तो आपको मैंने बताया ही, ठीक है, किताब उल हिंद उस किसके टाइम में लिखा था, तो महमूद गजनवी के टाइम में लिखा था। ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम में। ओके, तो राइट आंसर आपका महमूद गजनवी ही है। ओके, कह रहा सुमेलित करने के लिए, यहाँ बोल रहा दोस्तों सुमेलित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उसका कूट भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका कूट जो है दोस्तों यहाँ मैं मिला देता हूँ, क्या है इसका, ये हो जाएगा 2, ये दोस्तों ये रहा, समझ गए। कह रहा कि जो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सूफी संत के संत, ठीक है, सूफी संत से संबंधित थे कि ये उनसे संबंधित है। अब कह रहा है मलिक काफूर जो थे दास राजवंश उखाड़ फेंके थे। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो हजारी दिनार भी कहलाते थे। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी थे वो नियंत्रित दाम पर राशन की शुरुआत किए थे। ओके, समझ में आ गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कूट के माध्यम से। अब बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश की से संबंधित था? ठीक है, इसमें से कौन सा शासक संबंधित था, तो इल्तुतमिश जो था दोस्तों वो दास मतलब राजवंश से संबंधित या गुलाम राजवंश से संबंधित था। ओके, कर दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अब किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासनकाल में ये भारत आया था। करा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों, ठीक है, तो इसने जो है 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ओके, इसका जो सबसे फेमस जो आक्रमण था 1000 से 1026 के बीच में, ठीक है, ऊपर हम लोग पढ़े थे, तो वो कौन सा था दोस्तों, तो हमारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ओके, कह रहा किस ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अब खलीफा घोषित किसने किया था अपने आप को, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खलीफा घोषित किसने किया था। ठीक है, तो 47 का जो राइट आंसर है वो क्या है, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है ना, खिलजी शासक, कौन सा ऐसा खिलजी शासक था जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि मतलब घोषित किया था, अपने आप को घोषित किया था, ये ध्यान रखना है, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला नहीं, ठीक है, खलीफा अपने आप को घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, अब कह रहा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, तो सी नंबर बहलोल लोधी थे। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ओके, कह रहा है कि 49 नंबर कह रहा है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, खिलजी यहाँ दे रखता है, जितना भी समझिएगा आप लोग। कह रहा है राज्य संबंधों में क्या है उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, कह रहा है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किसने किया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने किया हुआ था। ओके, आगे कह रहा क्या, अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, कौन सी इसमें बात की गई है दोस्तों, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो भी चीज़ें देख रही हैं दोस्तों, ठीक है, वो हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय इतिहास का, भूगोल का, भारतीय गणित का, खगोल विज्ञान या दर्शन का, इन सभी चीज़ों का बात किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अलबरूनी का जो पूरा नाम था दोस्तों वो क्या था, अबू रेहन
रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है, अबू रेहान मोहम्मद इसका पूरा नाम था। आगे कह रहा है क्या, अलबेरूनी के अनुसार क्या है अंतज, ठीक है, क्या अलबेरूनी के अनुसार जो क्या है कि क्या है अंत्यज, अंत्यज जिसे कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग, ठीक है, में शामिल थे, ठीक है, कौन थे दोस्तों, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, धोबी मोची जादूगर क्या है डालिया व ढाल बनाने वाले, ढाल बनाने वाले जो होते थे उसे ढालिया कहा जाता था, नाविक मछुआ ब्याज झूला, ठीक है, ये सभी लोग जो थे वो क्या थे दोस्तों चतुर्वर्ण में मतलब ये जुड़े हुए थे, चतुर जो चौथा वर्ण था उसमें ये लोग जुड़े हुए थे, माने जाते थे इसमें के वो लोग थे, ठीक है ना, समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ग्यारहवीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था, ग्यारहवीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है किताबुल हिंद को, जो कि अलबरूनी जी के है किताब, समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह हिंद का जो युद्ध था 1008 से 1009 तक जो चला था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि मोहम्मद गजनवी तो रहेंगे ही रहेंगे, अब मोहम्मद गजनवी के साथ में कौन था दोस्तों ये जानना आपको ज़रूरी है, तो मोहम्मद गजनवी के साथ में आनंद पाल लड़े थे, ओके, समझ में आ गया, मोहम्मद गजनवी आनंद पाल के बीच में हुआ था वहिंद की युद्ध, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ओके। आगे क्या बोल रहा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से जो कथन दिया हुआ उस पर विचार करना है दोस्तों, तो आप लोग बैठ के विचार कीजिएगा, मैं फ़िलहाल आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो बातें हैं दोस्तों क्या हैं कि सही हैं, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों बातें हैं उनसे रिलेटेड है और ये सही भी हैं, ओके, तो ये तीनों बातें आप लोग पढ़ लीजिए, ओके, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख, ठीक है, मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया, ठीक है, तो कौन सा था दोस्तों, वो कौन था, खिरज खां सैयद जो था उसने ऐसा स्वीकार किया, ओके। आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन जो है गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था, गुलरुखी के उपनाम से अपना कविता लिखा करता था, तो डी नंबर इसका हो जाएगा सिकंदर लोधी ऐसा काम करता था जो कि क्या करता था, गुलरुखी के उपनाम पर जो है अपना कविता लिखा करता था। निम्नलिखित में से कथनों पर रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, कौन सा रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य बात है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो है मतलब डी नंबर ये असत्य बात है, रजिया सुल्तान ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्को शासक वर्ग में सहित क्या है शक्तिहीन बना दिया, ये गलत बात बोल दिया दोस्तों, ठीक है तो ये गलत बात बोला है तो इसे आप लोग मत पढ़िए, ओके, चलिए आज जो सही बातें हैं ये हम आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा स्टॉप करके, ओके। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि बलवन के संबंध में असत्य है, तो इसमें से कौन सा बलवन के संबंध में असत्य है दोस्तों, तो इसमें से कोई भी शब्द जो है बलवन के संबंध में असत्य नहीं है, ओके, तो इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये जितना भी है ये सब सही है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है, तो ये पांच वंश दिए गए हैं, इनका सही क्रम बोल दिया दोस्तों, तो सही क्रम इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूरा एक, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर देखिएगा 1 2 5 4 3 क्या ये देख गुलाम वंश, ठीक है ना, पहले गुलाम वंश, ठीक है, फिर खलजी वंश, ठीक है ना, उसके बाद से उल्टा इधर से हो जाएगा, ठीक है, किधर से ये
ठीक है ना, तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ठीक है ना। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है। इधर इसमें इधर से ले जाइए, फिर इसमें इधर से ले आइए। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है मोहम्मद गोरी। अब देखिए, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से सही कौन सा परिमाण प्रमाणित नहीं है। इसमें से कौन सा जो है कि प्रमाण नहीं है, सही प्रमाण कौन सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पहला वाला, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये गलत बात बोल दिया दोस्तों, ठीक है। बाकी जो तीन बातें हैं वो सही हैं, तो वो आप जो है क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों और वीडियो लेंदी होता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे, ठीक है। निम्न में से कौन से कारण थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, एक दो तीन, मतलब तीनों का तीनों, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों कारण थे, ठीक है, ये चौथा कारण नहीं था, ठीक है ना, चौथा कारण नहीं था। समझ में आ गया ना, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा दोस्तों, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है, ठीक है। इसमें से कौन सा क्रम है दोस्तों, तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक समझ सकते हैं, 1 4 2 3 मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर क्या क्या है, आराम शाह, ठीक है, आराम शाह, और उसके बाद से दोस्तों कौन था, दो मतलब ये क्या, इल्तुतमिश, उसके बाद से रजिया सुल्तान, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर, कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है उसको अलाई दरवाज़ा मतलब मुख्य द्वार क्या है, अलाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार का, समझ गए। आगे कह रहा है कि सुमेलित करेंगे दोस्तों इसको, तो क्या होगा, पहला का दो, मैं मिलान करता हूँ, क्या होगा, पहला का दो हो जाएगा और दूसरा का एक हो जाएगा और तीसरा का जो है तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है, और चौथा का चौथा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि क्या कहता था, खराज कहलाता था, ठीक है। युद्ध में लूटे गए राज्य का 1/5 भाग खुम्स कहा जाता था, ठीक है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहा जाता था, और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जो है जकात कहलाता था। ओके, आगे कह रहा है इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है। इसमें से कौन सी बात इब्राहिम लोदी के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये गलत बात बोल दिया दोस्तों, वो ऐसा कुछ था ही नहीं इब्राहिम लोदी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कूट दे रखा है नीचे, तो कूट के माध्यम से इसका आंसर जानेंगे। कूट के माध्यम से क्या हो जाएगा, चारों को चारों जो बात बोला दोस्तों यहाँ पर, चारों को चारों बात सही है इनके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे कह रहा है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे, ठीक है। पतन के लिए कौन सा कारण जो है उत्तरदायी थे दोस्तों, इसको भी कूट के माध्यम से हम जानेंगे। इसका जो कूट के माध्यम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 70 का ए नंबर हो जाएगा। ओके, मतलब एक दो तीन जो कारण थे दोस्तों, वो कारण थे मतलब ये दुर्बल प्रशासन हो गया था, तैमूर का आक्रमण, और क्या है, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ठीक है, ये तीनों बात जो है कि सही है दोस्तों।
ओके करण, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ठीक है, भारत में किया गया द्वितीय जो आक्रमण था, मतलब द्वितीय तुर्क आक्रमण कौन सा था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, बी नंबर, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण था। ओके आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद जो गोरी था दोस्तों वो किस वंश का था, तभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, संस बनी। ठीक है, ऊपर पढ़े थे जो दोस्तों वो क्या पढ़े थे, मोहम्मद गजनवी का हम लोग पढ़े थे। ठीक है, बट यहाँ मोहम्मद गोरी दिया हुआ है। ठीक है, तो संस बनी, ठीक है, संस बनी जो था दोस्तों वो इसका वंश था, संस बनी वंश का था, समझ गए। मोहम्मद गोरी ने किस अन्य नाम से, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था, जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों इसका, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, मतलब ये जो तीनों नाम है दोस्तों इन तीनों नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है ना, इनमें से सही ये क्या होगा, इनमें सभी। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा क्या, मोहम्मद गोरी ने 1775 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किस राजवंश के खिलाफ में किया था? ठीक है, तो 1175 में जो आक्रमण किया था वो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान कस जो कि क्या था, करमाथी शासक जो थे, ठीक है, मुल्तान उनके मतलब उनको उनके खिलाफ में होकर के ये आक्रमण किया था, समझ गए। भारत का वह पहला शासक कौन था, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, वह पहला शासक कौन था भारत का जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? इसका जो राइट आंसर वो ए नंबर हो जाएगा, सोलंकी शासक भीम सेकेंड ने, सोलंकी शासक भीम सेकेंड जो भीम द्वितीय जो था उसने किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था कौन सा था दोस्तों, मतलब अब उसका मतलब मेन विवाद का मेन कारण क्या था, ये भी अगर मालूम होगा तो आप जवाब दे सकते हैं इसका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मुल्तान का जो आक्रमण था दोस्तों, सॉरी भटिंडा जो था दोस्तों, भटिंडा जो जगह था, भटिंडा को लेकर के ये लोग विवाद किए हुए थे। ठीक है, ताबर हिंदा जिसे ताबर हिंदा भी कहते थे भटिंडा को। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था दोस्तों? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है, किसका पढ़े थे, मोहम्मद गोरी का पढ़े, मोहम्मद गजनवी का पढ़े थे, बट मोहम्मद गोरी का यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है क्या, सी नंबर हो जाएगा, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था दोस्तों वो क्या था, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण आक्रमण ये था, जो क्या किया था, क्या किया था, इसने हरा दिया था हमारे क्या बोलते हैं उनको नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा कि मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जब जयचंद आ गए दोस्तों तो चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चंदावर का जो युद्ध था दोस्तों वो क्या हुआ था, किसके, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। ओके समझ गए, चलिए कह रहा मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, जब मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध हुआ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है पंजाब के खोखर के विरुद्ध इसने आक्रमण किया हुआ था। ओके चलिए आगे देखते हैं, कह रहा तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत पर मुसलमानों का आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण, ठीक है, इसके परिमाण मात्र थे, इस जो है कि यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन किसका है दोस्तों, इसका जो ये जो कथन है बी ए स्मिथ, मतलब सिंपली नाम उसका आप लोग जान सकते हैं, इनका स्मिथ इनका नाम था। ठीक है, तो स्मिथ जी का ये कथन है। ओके कह रहा है मोहम्मद गोरी ने किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, क्या है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका,
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी आप लोग नाम जानते हैं सिंपली, ओके समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में मुसलमान राज्य का जो संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का स्थापक जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ओके कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, समझ गए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, देवगिरी का जो शासक था दोस्तों वो कौन था? तो ए नंबर रामचंद्र देव थे, ठीक है, देवगिरी रामचंद्र देव, समझ गए। जब अब कह रहा है 84 नंबर कह रहा है कि जब उसने राज्य तो प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए किया? बर्नी ने यह कथन बोला है या किस सुल्तान के लिए कहा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के बर्नी ने ये बात बोली थी, ओके। आगे कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था वो कौन था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, चौधरी, ठीक है, कौन था? चौधरी था, ओके ध्यान रखना है। कह रहा तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कंस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा क्या, सैयद वंश का, ठीक है ना, सैयद वंश, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का समझिएगा स्थापना हुआ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक मुगल थे? ठीक है, किस सुल्तान के मतलब दरबार में सबसे अधिक जो है कि गुलाम थे, सबसे अधिक गुलाम किस किस अथी में थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी नंबर फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, आप लोग सुनेंगे नाम फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अब कौन सा था जो बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ही बेरोजगारों को जो है कि रोजगार दिया था, ओके। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, ठीक है, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फिरोज तुगलक ने किया था ऐसा, फलों को सुधारने के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश का कारण था है दोस्तों वो क्या है, मुसलमान, ठीक है, जो कारण है वो मुसलमान है, मुसलमानों के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय की जो कि विनाश हुआ, ठीक है। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर मिनहाज उस सिराज, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कह रहा है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा किसका जो है कि मेन दरवाजा है दोस्तों, आपको ऊपर मैंने बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछ रहा है किसने उसका निर्माण कराया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर जो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या अलाई जो दरवाज़ा था वो क्या था दोस्तों, आपको समझ में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी आपका क्या, लाहौर थी, ठीक है ना, लाहौर को उन्होंने राजधानी बनाया हुआ था, आपको बताया थे ऊपर हम। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलिया के विरुद्ध जो है कि किसने किसकी जो है मंगोलियों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ठीक है, किसकी जो है मंगोलियों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति, अब कौन था दोस्तों, तो ए नंबर मतलब जफर खां जो है कि मंगोलियों के विरुद्ध लड़ रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई उसी में, ठीक है। अब आगे बोला क्या 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? इसमें से क्या जो है वो भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका डी नंबर, ठीक है, मतलब 1-3-4, ठीक है ना, खराज करता है और उस्र करता है और मुक्तई, ठीक है, ये तीनों जो है कि उसको करता है,
डिनोट करता है, समझ में आ गया ना। और कह रहा तुगलक नामा के रचनाकार कौन है, तुगलक नामा के जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है, तो अमीर खुसरो जो है तुगलक नामा के रचनाकार हैं। ओके आगे कह रहा भारत में मोहम्मद गोरी ने, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, प्रथम अख्ता जो है प्रदान किसको किया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है क्या प्रदान किया दोस्तों, तो प्रथम अख्ता प्रदान किया था। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि जो है कि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, मतलब उनके समय में हुआ था। ठीक है ना, आगे कह रहा है 99 नंबर और 100 नंबर, इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चंस ये होंगे दोस्तों, और इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस हैं अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे सल्तनत काल के सिक्के जो टंका है दोस्तों, ससनगी क्या है, ससगनी एवं जीतल, ससनगी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे। ठीक है, तो किन धातुओं से ये बने थे दोस्तों, तो चांदी चांदी तांबा से बने थे। ठीक है, चांदी और तांबा से, चांदी और तांबा, यहाँ पे डबल डबल चांदी लिख दिया, तो ये आपको ध्यान रखना, चांदी और तांबा दो ही उससे रखना है, यहाँ पे एक गलती से एक टाइपिंग हो गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा, अमीर कोही कृषि विभाग। ठीक है, अमीर कोही मतलब कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसका राइट जो आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया, तो इसके बाद वाले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पूरा जो है कि अब नेक्स्ट इसके बाद जितने क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, और इसके पहले की जो भी वीडियो है दोस्तों अगर आप चाहें देखना तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक्स।